Hello everyone, I'm Dr. Bindu Takshak. You all are welcome on our YouTube channel, The Learning with Fun. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आप मैटर को अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर यू कैन सी, और आप देखेंगे कि व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, आप देखेंगे कि मैटर जो है मेनली थ्री डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, और ये जो तीन स्टेट्स हैं, दीज आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे अराइज होती हैं? दीज आर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। अब ऐसी कौन कौन से मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनकी स्टेट्स को डिफाइन करती हैं, जो आपका गिवन मैटर है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट की बात कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट के अगर कोई कोई मैटर आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो उसके पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले हम एक्टिविटी 1.9 से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब एक्टिविटी 1.9 को परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, आपको कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं, जैसे बहुत ही सिंपल आर्टिकल्स जो आपके पास अवेलेबल हो, जैसे पेन है, बुक है, नीडल है, कोई वुडन स्टिक का पीस है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए ये मान लो आपने जो आर्टिकल्स लिए इनको आप अपनी नोटबुक के ऊपर रख के उसको स्केच कर सकते हैं। तो मान लो आपने अपनी नोटबुक पे लिया, अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, सपोज तो ये आपका नोटबुक का कोई पेज है, इस पे आपने पेन रखा, तो पेन को आप इस तरीके से स्केच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो आपने कोई भी पेन या पेंसिल आपने स्केच कर लिया, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जब आप स्केच करते हैं, स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम, आप क्या देखेंगे, क्या इसकी कोई डेफिनेट शेप है, क्या इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, क्या इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। ये देखिए, आप किसी भी चीज को रखिए जो भी आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो आपका कोई भी घर का में कोई कटोरी, ग्लास, कुछ भी आपको जो भी मिले सॉलिड ऑब्जेक्ट, आप देखेंगे कि उनका एक डेफिनेट शेप होता है, उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, उनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। अच्छा, व्हाट हैपन इफ दे आर, अच्छा क्या होगा यदि हम इन सॉलिड्स को हैमर से, मतलब जैसे चोट लगाते हैं, हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, देन व्हाट हैपन विद दीज पीसेस, जो सॉलिड आपने लिए हैं, आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन टू ईच अदर, ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाई अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस दैम। अभी यहाँ पे जो हमने लिए थे, All these are examples of the solids. तो solids के क्या characteristics हैं? जो solid matters हैं, उनके particles में एक जो solids हैं, उनकी एक definite shape होती है, उनकी distinct boundaries होती हैं, उनकी fixed volumes होती है, और वो negligible compressibility होती है उनके बीच में। तो solids की क्या tendency है? Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. यानी कि solid है, जब आप उसके ऊपर बाहर से भी फोर्स लगा रहे हो, स्टिल दे ट्राई, दे हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड जो जब उनके ऊपर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो दे मे ब्रेक अंडर द फोर्स, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। जैसे मान लो पेंसिल है या पेन है, मतलब आप उसको मान लो आप अपने हाथ से प्रेस कर रहे हो, तो क्या उसकी शेप चेंज होगी? देखिए, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, बट जितने उसके, क्योंकि हमने क्या बताया था कि जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी कि वहां पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है उससे ज्यादा फोर्स अगर आप इस पर लगाएंगे, ये जो है आपका जो पेंसिल है, पेन है या कोई भी सॉलिड है, वो टूट जाता है, दैट विल ब्रेक डाउन। तो ये जो सॉलिड्स हैं दे आर रिजिड, यानी कि ऐसा नहीं है कि कंप्रेस हो जाएंगे या उनकी शेप चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या कंसिडर किया, कंसिडर द फॉलोइंग। अब आपको कुछ और सोचना है कि एक रबर बैंड है, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप्स ऑन स्ट्रेचिंग। देखिए, रबर बैंड आप सभी ने देखा होगा, जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो वो उसकी शेप चेंज होती है। अब आपको सोचना है कि इज इट अ सॉलिड, ये सॉलिड है, देखिए सॉलिड भी है, बट उसकी शेप क्यों चेंज होती है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, होता क्या है कि जो रबर बैंड है वो अपनी शेप क्यों चेंज कर लेता है, क्योंकि जैसे ही हम उस पर फोर्स लगाएंगे, तो उस फोर्स की वजह से उसमें जो है कंप्रेसिबिलिटी आ जाती है, रबर के अंदर रबर जो है कंप्रेस होता है, तो जो रबर बैंड है चेंजेस शेप अंडर अ फोर्स, बट जैसे ही आप उसको फोर्स को रिमूव करेंगे, तो जो रबर बैंड की शेप है वो दोबारा से पहले वाली शेप आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा
कि जब आप शुगर और सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, तो शुगर और सॉल्ट को हम जिस जार में रखते हैं तो उस जार की शेप में ही वो चले जाते हैं। जैसे आपने कटोरी में रखा तो कटोरी की शेप हो गई, जार में रखा तो जार में फील हो गए। तो आर दे सॉलिड? देखिए, अब यहाँ पे सोचने की बात है, जो शुगर और सॉल्ट है वो सॉलिड ही है, क्योंकि जो आपने कटोरी में भरा तो उसमें बहुत सारे शुगर के पार्टिकल्स थे, बहुत सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स थे। जब आपने कटोरी में भरा या किसी जार में भरा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा थे। लेकिन अगर हम एक पार्टिकल की बात करेंगे, शुगर का एक पार्टिकल, चाहे आप जार में रखें, चाहे कटोरी में रखें, बाउल में रखें, उसकी जो शेप है वो सेम रहती है, वो शेप चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पंज की। व्हाट अबाउट अ स्पंज? इट इज अ सॉलिड, येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। व्हाई? देखो होता क्या है, स्पंज भी एक सॉलिड है, बट स्पंज के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है और उसमें जो है एयर भर जाती है, बट जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, यानी कि जब उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, तो एयर बाहर निकलती है और जो स्पंज है वो कंप्रेस हो जाता है। तो ये आई होप आपने समझा होगा कि सॉलिड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो ये जो एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे रबर बैंड है वो स्ट्रेच करने पे उसकी शेप चेंज हो जाती है, या शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स का आपने कि जिस कंटेनर में भरते हैं उसी में उसकी शेप आ जाती है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब हम कंटेनर में भरते हैं तो उसमें नंबर ऑफ शुगर और सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, और स्पंज के बारे में भी हमने पढ़ा, जैसा कि स्पंज में बहुत सारे माइन्यूट होल्स होते हैं जिनके बीच में एयर ट्रैप होती है, और जब हम स्पंज को प्रेस करते हैं तो ये एयर बाहर निकलती है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस द स्पंज। तो हमने जो सॉलिड स्टेट की जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट हम लिक्विड स्टेट का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।